हेलो स्टूडेंट्स, सो हम लोग कहाँ थे बेटा? हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पर। तो ट्रिगोनोमेट्री में मैंने आपको बताया था कि ये कोई नया टॉपिक नहीं है, आप ट्रायंगल्स के मेजरमेंट ही पढ़ते हैं पूरे ट्रायंगल में, इजंट इट? तो मैंने फिर आपको क्या क्या बताया, सिस्टम ऑफ एंगल्स बताया कि एंगल्स को किन किन सिस्टम में मेजरमेंट करते हैं, है ना। कल फिर क्लॉक के बारे में थोड़ा सा बताया था आपको, है ना। चलिए आज हम लोग टी रेशियो से स्टार्ट करते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या होता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पे क्या वर्ड आता है बेटा, रेशियो। रेशियो आप जानते हैं, किसी भी दो क्वांटिटी का रेशियो निकालने आता है बेटा आपका। बट यहां ट्रिग्नोमेट्री लग गया मतलब ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अच्छा, ट्रायंगल में रेशियो क्या होगा? उसके साइड के रेशियो की हम बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब रेशियो ऑफ साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। फिलहाल जो हम बेटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं बेटा, वो राइट ट्रायंगल के लिए पढ़ रहे हैं। राइट ट्रायंगल में आप जानते हैं हाइपोटेनस, मैंने राइट ट्रायंगल के बारे में बताया आपको, पहले उसको ही पता है हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। फिर दो साइड जो बच गया उसमें से कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस एंगल के थ्रू देख रहे हैं, कल मैंने आपको बताया था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या मतलब है, रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में तो तीन ही साइड्स, तीन साइड, किसी भी ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, और स्पेशली राइट ट्रायंगल में जो तीन साइड होते हैं उसका नाम होता है परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। तो मान लीजिए कि परपेंडिकुलर बेस का आपने रेशियो लिया, तो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। आपने मान लिया हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो लिया, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। उन्हीं के बारे में स्टडी कर रहे हैं, गॉट इट? नाउ जस्ट ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल। This is a right triangle. This is C, और you can say this angle is angle C. उससे अच्छा हम लोग यहाँ थीटा लिख लेते हैं, अच्छा लगता है बेटा, ऐसा कुछ नहीं, आप एंगल सी भी रहने दे सकते हैं। और ये तो बेटा 90 है, और इस एंगल को हम लोग लेटर से अल्फा कहते हैं, ठीक है। ट्रायंगल में एंगल होते हैं और ये राइट ट्रायंगल है, तो एक एंगल 90 डिग्री हो गया, दो जो एंगल बच गया, एंगल सी पे जो एंगल बना उसको आप थीटा कह लीजिए, एंगल ए पे जो एंगल बना उसको अल्फा कह लीजिए, ठीक है। अब एक बात बताइए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो हो सकता है कि हम परपेंडिकुलर वर्ड सिंपली नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? कल मैंने आपको बताया कि राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर फिक्स्ड नहीं होता है। अगर आप थीटा के लिए बात करते हैं तो परपेंडिकुलर कौन होगा बेटा, ए भी परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर वहीं आप अगर अल्फा एंगल की बात करते हैं, एंगल ए की बात करते हैं, तो आपके लिए परपेंडिकुलर कौन है, बीसी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालें। आप कहेंगे क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे ही हम परपेंडिकुलर बोलेंगे बेटा सबसे पहले सवाल आ जाएगा भाई परपेंडिकुलर तो ए बी भी है और परपेंडिकुलर तो बीसी भी है, इसीलिए हाइपोटेनस वर्ड में लगाने की जरूरत नहीं होती है। हाइपोटेनस फिक्स होता है राइट ट्रायंगल में, लेकिन बेटा परपेंडिकुलर और बेस तो फिक्स नहीं होता है, है ना। और इस ट्रायंगल के किसका किसका रेशियो ले सकते हैं आप, ए बी बी सी ले सकते हैं, ए बी ए सी ले सकते हैं, तीन ही दो साइड्स है, है ना, तीन साइड्स है, तो छह तरह का रेशियो ले सकते हैं क्या बेटा? एक बार अगर ए बी और बी सी लेंगे तो बी सी और ए बी भी लेंगे, रिवर्स रेशियो। अगर आप ए बी और ए सी का रेशियो निकालेंगे तो ए सी और ए बी का भी निकालेंगे, है ना। तो छह तरह का रेशियो बनाया जा सकता है, भैया तीन साइड्स हैं, एक आप डायरेक्ट वे में रेशियो निकालेंगे और एक इनवर्स रेशियो निकालेंगे, उल्टा रेशियो। जैसे 2:1 का इनवर्स रेशियो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:2 होता है इनवर्स रेशियो। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस के लिए हमको एंगल डिफाइन करना पड़ता है। जैसे अभी आप समझिए, इस ट्रायंगल में रेशियो परपेंडिकुलर एंड
निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस लिखेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया परपेंडिकुलर कौन, एबी परपेंडिकुलर या बीसी परपेंडिकुलर। तो क्या यहां पर लिखना पड़ेगा कि हम थीटा की बात कर रहे हैं या अल्फा की बात कर रहे हैं, लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? तो हमको लिखना पड़ेगा बेटा फॉर थीटा, लिखना पड़ेगा ये बात। अब जब लिख दिए फॉर थीटा रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का, हां अब ठीक है, तो भैया थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है बेटा, एबी परपेंडिकुलर है क्या, और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, तो हाइपोटेनस फिक्स है क्या? तो इतना तो लंबा चौड़ा लिखना पड़ा ना बेटा, जैसे लिखना पड़ता है इस ट्रायंगल में, अगर मान लीजिए इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, रेशियो की बात कर रहे हैं, लेंथ की नहीं बात कर रहे हैं, लेंथ और रेशियो का फर्क होता है बेटा, जैसे किसी का लेंथ अगर 2:2 और 4 है, 2 और 4 अगर साइड्स है, मान लेते हैं परपेंडिकुलर 2 है हाइपोटेनस 4 है, तो रेशियो कितना हो जाएगा बेटा 1:2। रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है हमेशा। तो मैंने कहा कि फॉर एंगल थीटा रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, एबी बाई एसी, एबी बाई एसी हो जाएगा। अब इतना जो लिखना पड़ रहा है तो मैथमेटिशियन ने कहा कि नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, हम कुछ कुछ साइन बनाते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे इतना लंबा चौड़ा लिखना ना पड़े, इसी चीज को बेटा हम लोग कहते हैं साइन थीटा। अब बात समझ में आई, आप जो सुन रहे थे अभी तक साइन थीटा क्या है, साइन थीटा, तो जब आप साइन थीटा लिख देते हैं तो थीटा लिख दिए मतलब आपने एंगल बता दिया किस एंगल के लिए लिखना है, और इस साइन का मतलब हुआ उस थीटा के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। बात समझ में आ गई, तो चूंकि इतना लंबा चौड़ा ना लिखना पड़े इसलिए साइन थीटा लिखते हैं, बात समझ में आ गई। उसी तरह आप ये भी तो कह सकते हैं फॉर थीटा और क्या क्या रेशियो निकाल सकते हैं बेटा, तो और रेशियो निकाल सकते हैं रेशियो बेस एंड हाइपोटेनस निकाल सकते हैं क्या बेटा, इस थीटा के लिए बेस कौन है, बीसी, हाइपोटेनस कौन है, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं, वो तो फिक्स होता है। इस क्वांटिटी को यानी थीटा के सामने जो थीटा के लिए जो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो निकल के आएगा किसी भी ट्रायंगल का, उसको हम लोग कहेंगे बेटा कॉस थीटा, क्या कहेंगे बेटा कॉस थीटा। तो आप बात समझ में आ गई, थीटा लग गया मतलब थीटा के लिए, और आप थीटा के अगर कॉस लगा देंगे मतलब किसी ट्रायंगल में जिस वर्टेक्स पे थीटा बना है उसके लिए बेस और हाइपोटेनस का रेशियो पूछा जा रहा है। अच्छा बेटा एक बार और बात जान जाइए, ये जो साइन है ना इस पूरा स्पेलिंग होता है SINE, लेकिन शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं बेटा साइन थीटा, ठीक है। ये जो कॉस देख रहे हैं बेटा इसका पूरा नाम होता है कोसाइन, लेकिन शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं बेटा कॉस। अब मेरी बात एक बात बताइए, मैथमेटिक्स में केवल साइन लिखा हुआ है इसका कोई मतलब है, तो आप कहेंगे नहीं इसका कोई मतलब नहीं है, जब तक ये साइन के आगे थीटा नहीं लगेगा तो कोई मीनिंगफुल स्टेटमेंट होगा ही नहीं। सीधा साइन का मतलब क्या होता है पता है, SINC का मतलब होता है पावर, है ना। तो सीधा अगर कॉस लिखा हुआ है तो मैथमेटिक्स में इसका कोई मतलब है, नहीं कोई मतलब नहीं। हाँ अगर यहाँ पर हम कोई एंगल चढ़ा दे बेटा से अल्फा, तो इसका ये मतलब हुआ उस ट्रायंगल में उस अल्फा के लिए बेस और हाइपोटेनस का रेशियो निकालिए, गॉट इट। तो अब समझ में आ रही है कि रेशियोज ये एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, ये रेशियो निकालने के लिए बोलता है, जब साइन आ जाएगा तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के लिए, और किस एंगल के लिए निकालना है वो यहां पर लिखा रहेगा, बस मन जा रहा है ये नहीं आगे बताइए। सिमिलरली फॉर थीटा रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है बेटा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर है क्या एबी, अब बेस क्या है बीसी, इसको कहते हैं बेटा हम लोग टैन थीटा, इस टैन का पूरा नाम होगा बेटा टेंजेंट, लेकिन शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं बेटा टैन थीटा लिखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने कहा था बेटा अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो है तो इनवर्स रेशियो भी तो निकाला जा सकता है, दैट इज हाइपोटेनस और
डिस्कस कर देंगे, स्टेटमेंट वही रहेगा, बात समझ में आ रही है, स्टेटमेंट बेटा वही रहेगा। जैसे अब निकालते हैं हम लोग इस ट्रायंगल में फॉर थीटा, ऊपर लिख दें फॉर थीटा रेशियो ऑफ, उल्टा कर दीजिए हाइपोटेनस, रेशियो ऑफ हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, थीटा के लिए हाइपोटेनस तो किसी के लिए नहीं बदलता, तो हाइपोटेनस तो बेटा एसी ही होगा क्या, मतलब किसी का उल्टा कर दीजिए एसी बाई ए लिख दे क्या, तो आपको नहीं लगता कि इस साइन थीटा का उल्टा कर दिया आपने, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कॉसेक थीटा, कॉस नहीं, कॉस अलग चीज है बेटा, कॉसेक थीटा विच इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। जब आप साइन थीटा बात करते हैं तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो, और जब आप कॉसेक थीटा की बात करते हैं तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का रेशियो, गॉट इट। जब कॉस थीटा निकाला आपने तो बेस ऑफ हाइपोटेनस का रेशियो निकाला, अब इस चीज का इनवर्स रेशियो ले लीजिए, यानी फॉर द थीटा रेशियो ऑफ हाइपोटेनस एंड बेस, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस और बेस का, ये एसी बाई बीसी हो जाएगा क्या, यानी कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं बेटा सेक थीटा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कॉसेक थीटा क्या है, ध्यान से देखिए, क्या ये 1 बाई साइन थीटा नहीं है, कोई आपसे पूछे कॉसेक थीटा क्या होता है, बोलेगा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो, अब कॉसेक थीटा होगा उलट हो रही है, तो हम कह सकते हैं कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा होता है, तो दिक्कत। सिमिलरली सेक थीटा देखिए किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है क्या, तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। सिमिलरली इसका भी रेसिप्रोकल होगा, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, तो अब रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, बेस एंड परपेंडिकुलर करेंगे तो क्या ये उल्टा हो जाएगा क्या, ये रिवर्स हो जाएगा क्या, देखिए तो क्या लिख सकते हैं इसको बेटा बीसी बाई ए, इस चीज को कहते हैं बेटा कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा क्या है, तो टैन थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी कॉट थीटा हम क्या लिख सकते हैं बेटा 1 बाय टैन। आपने क्या समझा, साइन थीटा क्या होता है, किसी भी राइट ट्रायंगल में उस थीटा के लिए, हमेशा थीटा तो नहीं होगा, इस फिगर में थीटा है तो हम थीटा लेंगे, मान लीजिए साइन अल्फा हो जाता तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा जरा ध्यान से समझिए, आइए इस ट्रायंगल में एक और एंगल होता है ना साइन अल्फा निकल लीजिएगा, मतलब तो समझ गए साइन अल्फा का क्या मतलब है, फॉर अल्फा रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर, बताइए अल्फा के लिए परपेंडिकुलर या बीसी है क्या, और हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स होता है, हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता, कोई पूछे कॉस अल्फा क्या होता है, तो कॉस अल्फा का मतलब होता है अल्फा के लिए बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, अल्फा के लिए बेस कौन होगा, अल्फा के लिए ये वाला तो परपेंडिकुलर है तो ये वाला बेस होगा क्या, बात समझ में आ रही है। सिमिलरली अगर किसी ने आपसे पूछ दिया tan अल्फा बताइए, तो फॉर अल्फा रेशियो ऑफ, जब थीटा था तो फॉर थीटा, जब अल्फा लग गया तो फॉर अल्फा रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर, नाउ टेल मी अल्फा के लिए परपेंडिकुलर बीसी है क्या, और जो बच गया वो बेस होता है क्या, तो मतलब समझ गया कि हमारे पास छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस, साइन कॉस टैन, कॉसेक से कॉट, ये तीनों जस्ट इसके रेसिप्रोकल है, अगर साइन थीटा पता चल गया और उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, बिकॉज कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा को कहते हैं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, मतलब रेसिप्रोकल है ना, तो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, कितने बेटा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, कौन कौन देख लिया आपने सीख लिया, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, अब फॉर्मूला के तौर पे आप परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, अब उस थीटा के लिए जो भी परपेंडिकुलर होगा वो आप लिखिए, जब साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है तो कॉसेक
हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा है तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाई बेस। फिर नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बेटा? टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। वो क्या हो जाएगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। ये सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप कि आप समझ में आया कि अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स के रेशियो होते हैं उन्हीं को साइन कॉस टेन कॉट अब उसके आगे जो भी एंगल लगा दीजिएगा उसके लिए परपेंडिकुलर उसके लिए बेस खोजिए क्योंकि हाइपोटेनस फिक्स होता है। आई होप दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। क्लियर है? फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? वन बाई कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा को वन बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना। कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई सेक थीटा और यू कैन से सेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉस थीटा सेम थिंग। आई होप दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू कि सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। अगर आपको ये ध्यान है तो ये उसके रेसिप्रोकल होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। हम आगे बढ़े आगे प्रोसीड करें। चलिए आगे बढ़े। ऑलवेज रिमेंबर मैंने बोला रेशियो नॉट द साइड। अपनी कॉन्सेप्शन क्या है समझिए। मिसकॉन्सेप्शन समझिए। कॉन्सेप्ट बाद में आया उससे पहले मिसकॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाए। देखिए ठीक है जरा समझिए। अगर किसी ने बोला कि साइन थीटा आपको पता है साइन थीटा क्या होता है बेटा? इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो इन दिस ट्रायंगल इस ट्रायंगल में इस राइट ट्रायंगल में किसी ने बताया इफ साइन थीटा इज इक्वल टू सपोज 2/5 और यू कैन से 3/5 आई डोंट नो। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं बेटा जरा समझाइए। तो कुछ बच्चे ये समझते हैं अच्छा साइन थीटा को साइन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है? इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है? इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है ए बी। अच्छा और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं। तो कुछ बच्चा ये समझ लिया कि अच्छा नहीं ये बात सही नहीं है बेटा। ये भी तो हो सकता है कि ये 6 और रेशियो दिया है ना बेटा आपको रेशियो दिया है। ये भी तो हो सकता है ये 6/10 हो। 6/10 को भी रेशियो निकालिएगा तो 3/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो जब भी साइन थीटा बराबर 3/5 दे दिया इसका ये मतलब नहीं है कि ए बी 3 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर ना ये मतलब नहीं है। हाँ 3 का कोई मल्टीपल रहा होगा जैसे 6-10 कह सकते हैं आप और क्या क्या कह सकते हैं। हो सकता है ये 12 और 20 हो ए बी मे बी इट माइट पॉसिबल कि ए बी 12 और ये 20 हो क्योंकि 12 और 20 को भी कट कीजिएगा तो क्या 3 और 5 का रेशियो नहीं बन जाएगा ये 3-5 का रेशियो। तो ये नोट कीजिए पहले। बच्चे ये समझते हैं कि अगर साइन थीटा दे दिया 2/3 तो उस ट्रायंगल में उस थीटा के लिए परपेंडिकुलर का लेंथ हो गया 2 और हाइपोटेनस 3। नहीं ये बात गलत है। वो 4 और 6 का हो सकता है। बात नहीं आ रही। तो पहली बात तो ये समझ गए। तो आप ये कह सकते हैं यहां से क्या कह सकते हैं सर
रेशियो बनाए थे जूनियर क्लासेस में कि ए और बी का इनकम अगर 2:3 है तो ए का इनकम 2x और बी का इनकम 3x। इसका क्या मतलब है कि अब भैया एक से कुछ भी हो जाए, अगर 100 यहाँ चिपकाएंगे तो यहाँ भी 100 चिपकाएंगे, यानी ए का इनकम 200 तो बी का इनकम 300, जो कट करके 2:3 बन जाएगा, है ना। नोट कर लीजिए, एक राइट ट्रायंगल में अगर मान लीजिए कोई भी दो साइड दे दिया तो तीसरा तो आप पाइथागोरस से निकाल ही लेंगे, कौन सी बड़ी बात है इसमें, आप पाइथागोरस जानते हैं वहां से निकाल लेंगे नहीं। एक ट्रायंगल लिया हुआ है, राइट ट्रायंगल, ऑब्वियसली राइट ट्रायंगल है, उसके साइड्स के लेंथ दिए हुए हैं, सामने लिखा हुआ है, आपको निकालना है बेटा टेन अल्फा प्लस कॉस थीटा, निकाल सकते हैं, पॉज द वीडियो एंड ट्राई। टेन अल्फा का क्या मतलब है, अल्फा लग गया मतलब अल्फा पे नजर रखना है आपको, और टेन का मतलब क्या बताया है मैंने, पर आपने लिखा होगा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, तो बताइए अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन है बेटा, आर है क्या परपेंडिकुलर, और बेस कौन है बेटा 6 प्लस कॉस थीटा, मतलब अब नजर कहां रखना है बेटा थीटा, अब कॉस लगाते हैं इसका क्या मतलब बेटा बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, तो इस थीटा के लिए बेस कौन होगा, इस थीटा के लिए बेस तो किसी होगा दैट इज आर, और हाइपोटेनस कितना बेटा, हाइपोटेनस तो फिक्स है 10। अब रेशियो निकाल के कैलकुलेशन कर दे क्या कितना होगा बेटा, ये 4 होगा और ये क्या होगा बेटा 4 होगा, कैलकुलेशन कर ले 4 कॉमन ले लेंगे तो ये 1/3 प्लस 1/5, कैलकुलेशन स्टार्ट 15 × 5 = 8, यही होगा क्या यानी 32/15। अभी ठीक है देख लीजिए, कोई यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है, रेशियो में यूनिट नहीं लगता ना बेटा, साइड सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, मीटर मीटर कट जाएगा, तो रेशियो में तो वैसे भी यूनिट नहीं होता। आई होप दिस इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है आगे बढ़िए। एक राइट एंगल दिया हुआ बेटा PQR जिसमें हाइपोटेनस दिया 61 सेंटीमीटर और थीटा के लिए ये तो बेस है, क्या इसको बेस बोल सकते हैं क्योंकि केवल थीटा पे वर्क कर रहा है, तो थीटा के लिए तो बेस ही है, तो आप कह सकते हैं ये 11 है, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। साइन थीटा, साइन थीटा का क्या मतलब बेटा, थीटा के लिए साइन थीटा क्या होता है, रेशियो निकालने के लिए कहता है, जब भी साइन वर्ड आता है टेन आता है कॉस आता है कॉसेक आता है क्या कहता है, इसी राइट ट्रायंगल का रेशियो निकालने के लिए बोलता है, तो पर जब साइन आता है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की चर्चा करने के लिए कहता है, किसके लिए थीटा के लिए, निकालिए तो परपेंडिकुलर तो पता ही नहीं है आपको, तो पाइथागोरस से निकाल नहीं सकते, ये 61 है ये 11 है, तो पाइथागोरस लगा के ये नहीं निकाल सकते, सेवेंथ क्लास से पाइथागोरस पढ़ रहे हैं, और मैंने कल बताया था कि कुछ पाइथागोरियन टिप्लेट्स आपको पहले से पता होना चाहिए सो दैट आपके कैलकुलेशंस में ज्यादा समय ना लगे, मैंने बताया था पाइथागोरियन टिप्लेट 11 60
61। मैंने बताया था कि ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर जिनको नहीं आता है वो तो निकाल सकते हैं जूनियर क्लासेस से। 61 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर निकाल नहीं सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा लेंगे, लगा लें, जो लगा लेंगे उनको पता चल जाएगा ये 60 आएगा, जिनको पहले से पता है वो 18 से निकाल लेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा ये 60 सेंटीमीटर हो गया। अब साइन थीटा निकालना है, निकालिए साइन थीटा का मतलब थीटा के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो 60/61 हो गया जी। टैन थीटा का मतलब क्या बेटा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर 60 और बेस आई होप दिस इज क्लियर, क्लियर है सबका। आगे भाई आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि किसी क्वेश्चन में दे दे कि आपको साइन थीटा दे दिया, किसी भी ट्रायंगल का साइन थीटा दे दिया, मतलब आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो दे दिया, रेशियो दिया है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस नहीं दिया है, रेशियो दिया। अच्छा कोई बात नहीं, रेशियो दिया और आपसे बाकी टी रेशियो पूछ लेगा है ना, जैसे देखिएगा इन ट्रायंगल PQR PQR ट्रायंगल में इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3, साइन थीटा कितना दे दिया बेटा 2/3, फाइन अदर टी रेशियोज, फाइन अदर टी रेशियोज, 6 टी रेशियोज होते हैं बेटा, साइन कॉस टैन कॉसेक से कॉट, सबका मीनिंग बता। तो साइन थीटा दे दिया, आइए हम कैसे बनाते हैं जरा देखिएगा, साइन थीटा दे दिया बेटा, इसका मतलब क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दे दिया, नहीं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो दे दिया है ना। देखो कैसे बना, साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, तो इनका रेशियो दे दिया आपको कितना 2:3। तो जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए कि 2:3 रेशियो का क्या मतलब होता है 2x एंड 3x, तो यहां से कह सकते हैं इट मींस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है बेटा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर PQ और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है PR, सो लेट इट मींस PQ रहा होगा 2x और PR रहा होगा 3x, यहां पर दिक्कत PQ 2 नहीं कह सकते, 2x कहना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं आप, 2:3 का मतलब रेशियो थोड़ी हुआ कि PQ की वैल्यू 2 ही हो सकती है, ये भी हो सकता है कि ये 4 हो जाए और 6 हो जाए, तो 4 और 6 का भी रेशियो 2:3 होता है। अब एक बात बताइए, PQ और PR निकालिए, तो यूजिंग पाइथागोरस पाइथागोरस लगा के आप QR नहीं निकाल सकते, जूनियर क्लासेस में आप पाइथागोरस कर रहे हैं, रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, PR स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर डेट इज 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर रूट 5x स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं रूट 5x, किसकी लेंथ क्या किसका लेंथ आ गया QR का लेंथ आ गया रूट 5x। अब तो सारी साइड पता चल गया आपको, नहीं PQ 2x है ये 3x है ये रूट 5x है, अब तीनों साइड पता चल गया तो टी रेशियो निकाल सकते हैं क्या, निकालते हैं टी रेशियो, आइए निकालते हैं। जैसे ही साइन थीटा दे दिया बेटा, साइन थीटा अगर 2/3 है तो उसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा,
मतलब हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का। तो हाइपोटेनस रूट 5x, सॉरी हाइपोटेनस कौन बेटा 3, हाइपोटेनस मतलब पीआर, पीआर की वैल्यू कितनी बेटा 3x, और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है पीक्यू, पीक्यू का वैल्यू क्या 2x। आगे बेटा 3 बाय 2 उतना करने की जरूरत ही नहीं थी, साइन थीटा अगर 2 बाय 3 है तो cos थीटा क्या होगा 3 बाय 2 नहीं होगा क्या। अब आइए क्या निकालना है, cos थीटा, cos थीटा क्या होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, थीटा के लिए बेस कौन है qr, qr का वैल्यू कितना है रूट 5x, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस pr, pr का वैल्यू क्या बेटा 3x, x x कैंसिल, क्या आ गया रूट 5:3। अब cos थीटा निकल गया बेटा, तो sec थीटा क्या होता है रेसिप्रोकल होता है cos का, क्या तो क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, थीटा के लिए परपेंडिकुलर PQ, PQ का लेंथ 2x, बेस क्या थीटा के लिए बेस कौन है बेटा QR, QR का लेंथ रूट 5x, x x कैंसिल, तो ये क्या cot थीटा निकल गया क्या रेसिप्रोकल करते डन। ठीक है, क्या इतना करने की जरूरत है, नहीं बेटा इतना करने की जरूरत नहीं है, पहला क्वेश्चन था और आपके मन से ये गलत भावना भी निकालना था आपके लिए कि बच्चे यही समझते हैं साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 2 और हाइपोटेनस 3, नहीं रेशियो का मतलब क्वांटिटी नहीं होता। देखिए देखिए बेटा x को ऐसे नहीं कट जाने वाला था, अगर मान लीजिए आप टेक्निकली सॉल्व कर रहे हैं जल्दी में, देखिए जल्दी में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो साइन थीटा बराबर 2/3 था, यानी ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे x x x हर जगह से तो ऐसे भी कट जाना है, कटेगा ना x x x, तो आप मन में आप बोल नहीं सकते हैं ये बात की परपेंडिकुलर 2 और हाइपोटेनस 3, ये बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये बात हम जानते हैं कि ये जो x है ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बोल नहीं सकते लेकिन हम कैलकुलेशन में कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर 2 और हाइपोटेनस 3, तो यहां से बेस निकाल लेंगे 3a² - 2a² √5, ये कर सकते हैं हम। इसके बाद आप निकाल सकते हैं, हमको cos थीटा निकालना है तो cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा क्या होता है बेटा बेस / हाइपोटेनस √5/3। समय बचाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन से समझते हैं, एक और क्वेश्चन से समझते हैं, आई बढ़े कोशिश करते हैं हमारे लिए, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। इन अ ट्राइंगल एबीसी tan थीटा इज इक्वल टू 7/24, ठीक है, देन फाइंड cos थीटा प्लस sin थीटा, आई होप यू ट्राइड। नाउ देखिए tan थीटा बराबर 7/24 दे दिया, tan थीटा किसका रेशियो होता है बेटा परपेंडिकुलर और बेस का, तो अगर किसी राइट ट्राइंगल में मान लीजिए ये थीटा है और परपेंडिकुलर
आपको जनरल जो फिर जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड पाइथागोरियन ट्रिगोनल्स है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो इसका मतलब हाइपोटेनस 25 आ गया क्या? तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। कॉस थीटा का मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना बेटा 24। साइन थीटा का क्या मतलब होता है? साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रेशियो, परपेंडिकुलर कितना बेटा 7 और हाइपोटेनस कितना बेटा कितना हो जाएगा ये कैलकुलेशन सेम एलसीएम। आई होप दिस इज क्लियर। तो उतना करने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसे बना सकते हैं कि परपेंडिकुलर 7x, अगर आप ऐसे लिख के बनाया परपेंडिकुलर 7x बेस 24x, तो यहां से हाइपोटेनस निकलेगा 25x, फिर तो x x कट ही जाएगा ना, क्योंकि आपको रेशियो निकालना है, तो रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कहां तो दिक्कत। ठीक है, तो आज आप लोगों का होमवर्क है एनसीईआरटी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करके ग्रुप में डालो। ओके ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, जय।